हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपके लिए क्या एक्टिव एंड पैसिव बॉस मैं अखिलेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल शांति स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आपके लिए क्या एक्टिव एंड पैसिव बॉस, एक्टिव पैसिव बॉस कैसे कन्वर्ट किया जाता है इसके बारे में पूरे रूल बताएंगे, ठीक है। तो पहले शुरुआत करते एक्टिव एंड पैसिव बॉइस से। एक्टिव बॉइस होता क्या है, जिन वाक्यों में सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है उन्हें एक्टिव बॉइस कहते हैं। दूसरा होता है पैसिव बॉइस, PASSIVOIC पैसिव वॉइस, जिन वाक्यों में ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है उन्हें पैसे बॉयस कहते हैं, ठीक है। मतलब जिनमें ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाएगी वो होते हैं पैसे बॉयस, और जिनमें सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाएगी वो होते हैं एक्टिव बॉयस। अब दोनों के एग्जाम्पल देख लेते, ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहला एक्टिव देखते हैं। एक्टिव क्या होता है, एक्टिव वॉइस, राम ईट्स द फूड, ये हमारा पहला टेंस है, इसे एक्टिव वॉइस। इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, द फूड इज ईटन बाय राम। तो टेंस को देख लो, राम ईट्स द फूड, तो जब राम है, ये जो राम है ये क्या है, सब्जेक्ट है, इधर फूड ऑब्जेक्ट है, तो जिसमें राम से शुरुआत हुई है वो एक्टिव वॉइस है। अब दूसरे भाग जो पैसिव वॉइस है वो द फूड से शुरू हुआ है, तो इसलिए ये पैसिव वॉइस है, और पैसिव वॉइस में हमेशा शुरुआत ऑब्जेक्ट से होती है, ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है, ठीक है। आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। यदि आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर चीज़ें अच्छे समझ में आ रही हैं तो कमेंट करिए, ना समझ तो भी कमेंट करिए, मुझे बताइए, ठीक है, किस तरीके से वीडियो में इम्प्रूव किया जा सकता है, आप सजेशन दे सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं अखिलेश कुमार पूरी इंग्लिश ग्रामर आपको पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।